दुनिया के 199 देशों में अपने पैर पसार चुका कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से अब तक दुनिया की लाखों की आबादी संक्रमित हो चुकी है। वहीं बात करें तो हजारों लोग इस बीमारी से मौत के काल में समा चुके हैं। इसी बीमारी के प्रचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन देश में जारी किया, जिससे कि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए और इस गंभीर बीमारी की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं चंदौली का आज आपको एक किस्सा बता देते हैं। मामला चंदौली के वार्ड नंबर 3 के आलू मिल का है। यहाँ पर करीब 4500 के लगभग जनसंख्या की आबादी रहती है, जिसमें से कि 75% लोग मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन की वजह से इन मजदूरों के घर में अब मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि इन लोगों के घरों में अब अनाज खत्म हो चुका है। वहीं इन लोगों से वोट मांगने के लिए आने वाले अब जनप्रतिनिधि नदारद हैं। अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं पहुंचा, इनके आंसू पहुंचने नहीं पहुंचा। इन लोगों के घरों में अब एक वक्त की रोटी भी मिलना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। वहीं जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सरकारी मदद की भी आस लगाए अपने घर के दरवाजों पर बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि सरकार या जनप्रतिनिधि इनकी मदद को आए, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं आ पाई है। कुछ ऐसे ही मामले और भी सामने आ रहे हैं। यहाँ पर काफी लोगों के राशन कार्ड भी नहीं है, जिससे कि वो राशन कार्ड के द्वारा कोटे से ही अपना राशन लेकर अपना पालन पोषण कर सके। इस विपदा की घड़ी में जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जनता से वोट मांगने के लिए तो इन्हें यही गरीब और बेसहारा लोग ही याद आते हैं। इन्हें लंबे चौड़े बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद इनको इनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जबकि इस विपदा की घड़ी में लोग भूखे मरने के कगार पर पहुंच चुके हैं, तो इन लोगों के दिल में जरा भी रहम नजर नहीं आ रहा। अली नगर नई बस्ती वार्ड नंबर 3 में इसमें हम खड़े हैं, और यहाँ जितने गरीब तबके लोग हैं, यहाँ किसी का कोई सहयोग, ना सरकार से कोई सहयोग मिला, ना सभासद जी का यहाँ कोई सहयोग नहीं मिला। लोग यहाँ मजदूरी और दिहाड़ी करने वाले हैं, जो कि खाने के लिए एकदम असमर्थ हैं, और यहाँ सभासद यहाँ एकदम अनजान बने हुए हैं। आइए हम कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए। बनारसी लाल। बनारसी जी, इस समय लॉकडाउन में घर पे राशन या दो वक्त की रोटी कैसे मिल पा रही है आप लोगों को? बहुत दिक्कत से मिल रही है सर। क्या क्या समस्याएं हो रही है उसमें? जो कि नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, और नौकरी मिल जाने पर थोड़ा सा सहारा हो जाता है, और जो कि ये है कि पैसा आएगा कुछ, अपना खर्च जिंदगी चला सकते हैं। सभासद द्वारा क्या किया गया? सभासद द्वारा कुछ नहीं किया गया। सभासद आए नहीं पूछने कि हाँ गरीब हैं? फिर वो घर में घुसे रहते हैं सर, किसी का घर का ख्याल भी नहीं रखते हैं वो, उनको ठीक नहीं बनाया गया है सभासद। जी अपना नाम बताएं। अपना नाम? अमरनाथ चौहान। अमरनाथ जी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर जी। इस समय तो लॉकडाउन में सारे बंद है, किस तरीके से घर का खर्च चल रहा है? कोई व्यवस्था नहीं है। कितने दिनों से कोई व्यवस्था नहीं है? जब से बंद है सर जी। राशन इस समय खाना कैसे बना रहे हैं? मजदूरी कभी कभी कर लेते हैं, जाते हैं घंटा दो। सारी जगह बंद है तो फिर मजदूरी कहाँ मिलेगी आपको? नहीं मिल पाता है, लेकिन अब क्या करें सर जी, उसमें व्यवस्था किसी तरह से बना लेते हैं। दो चार 10-20 सौ कैसे अपना जीविका चला रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं? ये कोई व्यवस्था नहीं है, जब कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाते तो नहीं। सभासद से आपने इसके बारे में बात किया? सभासद हम लोगों से वोट लेते हैं, कोई व्यवस्था नहीं देते हैं। उनको पता नहीं है कि आपके पास? उनको मालूम है, सब कुछ मालूम है, अनदेख करते हैं। अपना नाम और पर्चे बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, नई बस्ती अलीनगर वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूँ। मेरी समझ में जो दिखाई दे रहा है आपके प्रश्न के हिसाब से, यहाँ गांव में हमारे सब दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेला खुमचा वाले और बाज़ार में कमाने वाले, यही सब हैं ज़्यादातर। अब चूँकि लॉकडाउन के अंतर्गत सभी का जो है कमाई का जरिया जो था वो बंद है, अब इतने दिनों में इसमें से ज़्यादातर लोग जो है खाने के लिए असहाय होते जा रहे हैं। अभी तक सरकार की योजनाओं का यहाँ पर कोई लाभ किसी पात्र को नहीं मिला है, न खाने का, न पूछने का, न कभी सभासद आते हैं यहाँ।
अभी कुछ दिन पहले पता लगा था कि पावर हाउस में कहीं खिचड़ी थी शायद बटी थी, तो उसमें भी उधर के ही लोग अपना कौन पाया कौन नहीं पाया उधर वाले जाने, हम लोग तो उधर गए ही नहीं न कि जाने। इस तरीके से मिला करके मतलब गांव की स्थिति जो है दयनीय है, और ज़्यादा दिन अगर ये बढ़ गया तो ज़्यादातर लोग भुखमरी पर आ जाएंगे। इसमें आखिर क्या माना जाए, सभासद की लापरवाही मानी जाए इसमें देखा जाए तो? अगर सभासद जो है सरकारी योजनाओं को समय रहते लागू करें तो लोगों का कल्याण हो, नहीं करेंगे तो लापरवाही ही माना जाएगा। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। क्या अभी एक बार भी सभा से जाकर यहाँ किसी से हालचाल नहीं लिए? नहीं, अभी अभी तो है? अभी तो लॉकडाउन के अंतर्गत यहाँ आकर हालचाल लेने वाला सभासद कभी नहीं आया, नहीं लिखा। अभी हमने राजेश से बात की और यहाँ के लोगों का हालचाल जाना, और यहाँ लोग ऐसा है कि लॉकडाउन लगने के बाद सभासद यहाँ एक बार भी नहीं आए लोगों का हालचाल जानने, कैसे क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं। यहाँ सभासद जब वोट लेना हो तो घरों के पास जाते हैं, जब ऐसे काम होता है तो लोग यहाँ उनके घर पर नहीं जाते हैं सभासद। और ऐसे हमने इनसे जाना राजेश जी से कि यहाँ लॉकडाउन लगने के बाद कितनी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है। अशोक कुमार, टॉप न्यूज़, चंदौली से।